चक्रवाती तूफान टोकरे से पनवेल तहसील में तबाही का आलम। तहसीलदार के पंचनामा में हुआ खुलासा, 1200 से अधिक घरों को नुकसान, 200 से अधिक बिजली के खंभे गिरे। आम के बागानों में सबसे अधिक नुकसान की खबर, 169 किसानों की फसल बर्बाद, 48 लाख के नुकसान का अंदाजा। नई मुंबई महानगर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर ने 31 मई से पहले पेड़ों की छटनी करने का दिया निर्देश। मानसून पूर्व तैयारियों से जुड़ी बैठक में अधिकारियों को आयुक्त का फरमान, कामगार और यंत्रणा बढ़ाने के लिए दी मंजूरी, हर दिन वर्क रिपोर्ट जमा करने का भी निर्देश। करनाला नागरी बैंक घोटाला प्रकरण में 19 संचालकों के खिलाफ सीआईडी ने दाखिल किया चार्जशीट। 529 करोड़ के कर्ज घोटाले में पूर्व एमएलए विवेक पाटिल समेत 19 संचालकों से निवेशकों का सारा पैसा वसूलने का सुझाव। बीजेपी विधायक प्रशांत ठाकुर बोले, तत्काल होनी चाहिए गिरफ्तारी। बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने नई मुंबई में ऑक्सीजन प्लांट लगाने, महानगर पालिका को दिया 1 करोड़ की विधायक निधि। कोरोना मरीजों की जान बचाने, ज्यादा ऑक्सीजन और वेंटिलेटर बेड बढ़ाने पर जोर। बच्चों के लिए पेडियाट्रिक कोविड सेंटर और म्यूकर माइकोसिस के इलाज का इंतजाम करने की भी मांग। नवी मुंबई एयरपोर्ट को दीवा पाटिल का नाम दिलाने, प्रकल्पग्रस्तों की मोर्चाबंदी गरमाई, गांव गांव में हो रही बैठकें। सिडको ने प्रस्तावित किया है बाला साहब ठाकरे का नाम। सोशल मीडिया पर भी दीवा पाटिल के लिए चल रहा अभियान, शिवसेना के खिलाफ बढ़ रही नाराजगी। थाने मनपा को एनसीपी विधायक रोहित पवार और बारामती एग्रो कंपनी की मदद। कोरोना मरीजों के लिए दिए गए 8 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर शहराध्यक्ष आनंद प्रांशवे ने थाने मनपा आयुक्त को सौंपा। इलेक्ट्रिक प्रणाली पर हवा और पानी से बनाता है ऑक्सीजन, मरीजों को मिलेगी राहत। नई मुंबई मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर का अधिकारियों को फरमान, मानसून में सड़कों पर दिखे गड्ढे तो झेलनी होगी कार्रवाई। 31 मई से पहले रास्तों की मरम्मत करने का निर्देश। बारिश में कोई भी दुर्घटना होगी तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार, सतर्कता और जरूरी उपाय करने का भी सुझाव। नई मुंबई में कोरोना प्रतिबंधक उपायों को लेकर मनपा कमिश्नर ने दिखाई सख्ती, अधिकारियों को दी चेतावनी। निजी फायदे के लिए कोई भी काम रोका तो खैर नहीं। तीसरी लहर को रोकने की पूर्व तैयारी में मेडिकल उपकरण, दवाएं और जैविक कचरा व्यवस्थापन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को समय पूर्व नियोजन करने का आदेश। गलती हुई तो तत्काल होगी कार्रवाई। पनवेल में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को जल्द कोरोना वैक्सीन देने, सभागृह नेता परेश ठाकुर की मांग। आयुक्त सुधाकर देशमुख को दिया निवेदन। पनवेल मनपा क्षेत्र में 38,000 नागरिकों को नहीं मिली है कोविशील्ड की दूसरी डोज। कोवैक्सीन की दूसरी डोज के लिए 7,337 लोग हैं कतार में, त्वरित टीकाकरण की मांग। राज्य सरकार ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए जारी किया नया दिशा निर्देश। कोविशील्ड की पहली डोज के 84 से 112 दिनों बाद लगवाया दूसरी वैक्सीन। कोवैक्सीन की दूसरी डोज के लिए 28 से 42 दिनों का इंतजार जरूरी। वैक्सीन की किल्लत को लेकर महानगर पालिका ने जारी की सूचना। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।